तो और जाना चाहूंगा प्रोजेक्ट को लेकर क्या कहना चाहेंगे? अलग हट के प्रोजेक्ट है, बहुत अच्छी बात है कि सेंट्रल फिल्म आया है भोजपुरी इंडस्ट्री में। मेरा नाम विजय कुमार यादव है, मैं फिल्मों की मार्केटिंग करवाता हूँ और वैसे तो मैं प्रोड्यूसर भी हूँ, डिस्ट्रीब्यूटर भी बहुत कुछ हूँ, क्योंकि बहुत पुराना अनुभव है। लेकिन आज ये पिक्चर देख के बड़ी मतलब अनुभूति अच्छी हुई कि कम से कम आज के दौर में तकरीबन करीब मोस्टली सभी लोग रियलिस्टिक फिल्में बनाने लगे हैं जो मुद्दों पर कुछ उठाते हैं। कुणाल जी के बड़ा बेहतर अभिनय लगा, इसके पहले भी उन्होंने दिया बाती मैंने देखा था, उस पिक्चर की मार्केटिंग मैं ही किया था, मुझे बहुत प्रभावित किए थे। हाँ, और उस पिक्चर का मैंने बड़े अच्छा से ये किया, ये फिल्म भी बहुत मुझे अच्छी लगी। धीरेन्द्र जी ने बहुत अच्छी बनाया, कुणाल जी ने क्या अभिनय किया है, और आपको हीरोइन अपनी ये है काजल यादव, दोनों लोग का बेहतरीन, और भी सारे जो कलाकार हैं सभी ने अच्छा काम किया है। बहुत दिनों के बाद अच्छी मूवी मतलब ये बनी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सर, आप प्रसिद्ध जो जाना चाहेंगे इस प्रोजेक्ट के बारे में क्या कहना चाहेंगे, इस प्रोजेक्ट कितना जरूरी है बनना? आप सर। हाँ, नमस्कार, मैं राम पटेल, और अभी हमने जो रोटी फिल्म का ट्रेलर देखा तो वाकई बहुत ही खूबसूरत फिल्म बनी है, और कहीं कहीं कहा जाए जैसे भोजपुरी के ऑडियंस को इस ढंग की फिल्में चाहिए, जैसे हम लोग कंपेयर करते हैं बॉलीवुड से करते हैं, साउथ से करते हैं, कहीं कहीं वो लोग कॉन्सेप्ट और कंटेंट पे बहुत मेहनत करते हैं। तो अभी जो देखा तो एक लगा जो अपना जो अपनापन होता है भोजपुरी में, और कहीं कहीं ऑडियंस को जो अपनी भोजपुरी की चीज़ें वो नहीं मिलती है देखने को, तो इस फिल्म में अपना कल्चर मिल रहा है, और हमारी जो यूपी बिहार से हम जुड़े हैं जो अपनी जो समस्याएं हैं जो कि इन्होंने 70 के दौर का जो अपना दौर था उसको दिखाने के मतलब कि जो कोशिश किया है कहीं कहीं वो साफ दिख रहा है, और जो समस्याएं हैं वो साफ दिख रही है। तो बड़ी खूबसूरत ढंग से इन्होंने डायरेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू बहुत अच्छा है, और जितने भी आर्टिस्ट हैं कहीं कहीं कैरेक्टर को पकड़ के बहुत अच्छे तरीके से काम किया है, तो देखा तो बहुत मजा आया। और मुझे लगता है कि जब हमारे बीच में पेयर आएगी, मूवी आएगी, तो लोगों को एक जो अपना कल्चर है, जो अपनी भोजपुरी है, और जो अपना संस्कार है, संस्कृति है, वो बहुत अच्छे तरीके से इसमें देखने को मिलेगी। धन्यवाद।